हेलो भाई, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग गैलेक्सी A15 5G फ़ोन है, तो सैमसंग गैलेक्सी A15 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में हॉटस्पॉट QR कोड ऑप्शंस हैं, तो हॉटस्पॉट QR कोड ऑप्शंस का आप यूज़ कैसे कर सकते हैं और कैसे अपने फ़ोन में QR कोड स्कैन करके वाईफाई नेटवर्क को बिना पासवर्ड के कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं कि QR कोड स्कैन करके वाईफाई नेटवर्क को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं बिना पासवर्ड के, और वायरलेस इंटरनेट आप कैसे चला पाएंगे, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, तो इसमें से आपको जाना होगा सेटिंग्स पे, और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। ओपन होते ही आपको कनेक्शन सेटिंग्स पे चले जाना है। कनेक्शन सेटिंग्स पे जाते ही आपको पास वाईफाई का ऑप्शन आ जाएगा, तो वाईफाई पे जाते ही आपके पास नेटवर्क जो कनेक्टेड है इसका आप QR कोड कुछ इस तरीके से ओपन कर सकते हैं और शो कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपका QR कोड है शो हो जाएगा, जिसके ज़रिए आप किसी भी अदर्स फ़ोन के ज़रिए QR कोड स्कैन कर सकते हैं और QR कोड स्कैन करके वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट कर पाएंगे, जिससे आप वायरलेस इंटरनेट चला सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से भी QR कोड स्कैन करके वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे वायरलेस इंटरनेट को आप चला सकते हैं अपने पोको फ़ोन सॉरी सैमसंग फ़ोन में, और इसका आप यूज़ भी कर सकते हैं। और QR कोड स्कैन करके भी नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं अपने सैमसंग फ़ोन में, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। और सिंपली आप और भी ऑप्शंस का यूज़ कर पाएंगे, जिससे वायरलेस इंटरनेट चला सकते हैं। जैसे आपके पास स्कैनर सेटिंग शो हो रही है, यानी अपने फ़ोन के स्कैनर के जरिए भी आप QR कोड स्कैन करके वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे वायरलेस इंटरनेट आप चला सकते हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाने ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें एंड वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू, वीडियो अच्छी लगी तो।